मेरी पोस्ट पर आने वालों, अल्लाह आपको सेब वाला मोबाइल दे। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी से बहस खत्म हो जाने के बाद ही मुझे सारे अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। बस मैंने सोच लिया है कि बड़ी होकर मैं प्रोफेसर बनूंगी और आसान पेपर बनाकर बच्चों की दुआएं लूंगी। वो लड़कियां भी मॉडल की डीपी लगाकर नखरे दिखा रही होती हैं, जो अपनी शॉपिंग लिस्ट में सबसे पहले लिखती हैं एक जुनून वाला शैम्पू। यकीन जानो, बालों का झड़ना दिल टूटने से ज्यादा तकलीफ देह होता है। सर्दियों में बर्तन धोने वाली बच्चियां सीधी जन्नत में जाएंगी। जब से रोटियां बनाना सीख रही हूँ, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा जिसका नक्शा ना बनाया हो। मुझे लगता है किसी दिन ऐलान होगा, एक इंतहाई खूबसूरत लड़की खाना बनाते बनाते फौत हो गई। साइंसदानों को अगर ये पता चल जाए तो इनका साइंस से एतबार उठ जाए कि कौवा छत पर बोले तो मेहमान आते हैं। पाकिस्तानी माओं को और कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहता है कि हमारी एक प्लेट फलां के यहाँ गई थी, एक डिश फलां के यहाँ गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। हम लड़कियों की जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाती है जब साथ वाली आंटी आकर अम्मी को बताती हैं कि मेरे घर में तो सारा काम मेरी बेटी करती है। आजकल कंपटीशन इतना भर गया है कि अगर किसी को अपना दुख सुनाओ तो वो जवाब में डबल सुना देता है। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करें, ये ख्याल दोपहर को आता है। किसी को खोने का गम क्या होता है, ये कल रात पता चला जब मूंगफली का एक दाना छिलकों में गुम हो गया। जो लड़के लड़कियां ईद उल फितर पर अपना रंग गोरा करना चाहते हैं, वो सहरी में पराठे पर फायजा ब्यूटी क्रीम लगाकर खाएं। शुक्रिया यार, गवाचे लब जांदे पर हैंड फ्री गवाचे नहीं लगती। तुम्हारी नींदें हराम करना चाहती हूँ, मुख्तसर ये कि तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था, औरत ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर मामला रफा दफा हुआ। कभी सुना है कोई कमेंट करते मर गया? नहीं ना, तो कर दिया करो, कुछ नहीं होता।